आप जानते हो दोस्तों कि गहरे समुद्र के बीच में ये बड़े बड़े ऑयल रिग कैसे बनाया जाता है, क्योंकि समुद्र का गहराई काफी चौंका देने वाला होता है। अब यूजुअली समुद्र में हर जगह इतनी गहराई नहीं होती, फिर भी गहराई 3 से लेकर 11 किलोमीटर तक के बीचों बीच होता ही होता है, जबकि स्टील काफी ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े ऑयल रिग्स को आखिर कैसे बनाया जाता है। तो देखो, जब ये समुद्र का गहराई ज्यादा नहीं होती तो ज्यादातर ऑयल रिग्स को जमीन से लेकर ऊपर तक पूरा बनाया जाता है। जब ऑयल रिग्स को समुद्र के बीचों बीच बनाया होता है तो इन्हें नीचे से नहीं बनाया जाता, बल्कि पॉन्टून नामक एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है जिस पर ये ऑयल रिग्स तैरता रहता है। ये प्लेटफॉर्म एंकर के जरिए जमीन से अच्छी तरह से बंधा होता है ताकि बड़े बड़े लेयरों से ये ऑयल रिग्स डिसबैलेंस ना हो।